ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एडेप्टिव ग्रेडिएंट ऑप्टिमाइजर को देखा और उसकी वर्किंग जानी कि एक्चुअली वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है, और मोमेंटम उससे पहले हमने डिस्कस किया, और स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्टली रिकमेंडेशन ये है कि वो तमाम सेशंस को कवर किया जाए, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप अप्रोप्रिएट मैनर पर आगे चीज़ों को नहीं समझ सकते। ओके, तो आज की सेशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्टिमाइजर की टाइप हैं, जिसको हम एडा डेल्टा और इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास आरएमएस प्रॉप ऑप्टिमाइजर कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली आरएमएस प्रॉप ऑप्टिमाइजर क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। तो बिल्कुल ब्रीफली डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर प्रॉप, या फिर आरएमएस प्रॉप इज अनदर एडेप्टिव लर्निंग रेट्स दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एडा ग्रेड। यानी ये रूट मीन स्क्वायर प्रॉप है और ये एडेप्टिव लर्निंग है, जिस तरह से प्रीवियसली हमने एडाग्रेड में देखा, और ये एक इम्प्रूव वर्जन है किसका, एडाग्रेड का। यानी एडेप्टिव ऑप्टिमाइजर जो था हमारे पास, ग्रेडिएंट ऑप्टिमाइजर, उसका एक इम्प्रूव वर्जन है। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग क्यूमुलेटिव सम ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट। यानी हम वहां पर क्या देख, तुमने याद होगा कि जो अल्फा या एस टी की वैल्यू हुआ करती थी हमारे पास, उसमें हम लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट का स्क्वायर किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो यहां पर ये कह रहा है कि भाई इंस्टीड ऑफ टेकिंग द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट लाइक इन एडाग्रेड, वी टेक द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ दीज ग्रेडियंट। यानी हम स्क्वायर लेने के बजाय हम क्या करेंगे, वहां पर एक्सपोनेंशियल लेंगे मूविंग एवरेज ऑफ दीज ग्रेडियंट। जो भी ग्रेडियंट वहां पर मौजूद है वेक्टर, उसका क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल एवरेज लेंगे, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि वो ड्रॉबैक जो वहां पर हमारे अल्फा की वैल्यू के बढ़ने की वजह से लर्निंग रेट की वैल्यू जो डाउन हो रही थी, वो चीज वहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही उसका ड्रॉबैक भी था जो हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके जरिए से वो चीज हैंडल हो जाएगी, समझते हैं मैथ्स के रिस्पेक्ट से, ताकि बेहतर तरीके से बात समझ में आए। तो सबसे पहले आपको याद होगा जो प्रीवियस सेशन पर हमने डब्ल्यू टी देखा, वो डब्ल्यू टी माइनस वन था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास माइनस में लर्निंग रेट लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वेट था, ठीक है। अच्छा, अब इस लर्निंग रेट की जगह हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, तो मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि इसको डिटेल बताऊं। तो ये जो म्यू की वैल्यू है ना, नई वैल्यू जो आएगी वो होगी अल्फा अंडर स्क्वायर रूट एस टी, ठीक है। एस टी वही है जो यहां पर हमने प्रीवियस सेशन पर डायरेक्टली लिख दिया था, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रेट। तो ये लिटिल बिट चेंज है, रिसर्च पेपर में डिफरेंट टेक्निक्स को लिखा जाता है अल्फाबेट को, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव नंबर है हमारा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जो लर्निंग रेट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द वेट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, इस लर्निंग रेट को, ठीक है। आपको याद होगा कि जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमारा लर्निंग रेट था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, एस टी की जगह हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी। अभी तक इक्वेशन बिल्कुल वैसी है, लेकिन अब एस टी की जो वैल्यू है वहां पर समेशन ऑफ लॉस फंक्शन का स्क्वायर था। लेकिन इस चीज को देखना, अब यहां पर एस टी को हमें इंडिकेट करना है, तो हमारे पास जो एस टी होगा ना, वो क्या चीज है, वो है बीटा। हेयर बीटा इज यू नो, ये मैंने ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम के अंदर बताया हुआ है कि बीटा हमारे पास हाइपर पैरामीटर है, जो कि क्या हमें फैसिलिटी देगा कि हम एक्सपोनेंशियल एवरेज ले सकेंगे इसके जरिए से, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 0.9 या फिर 0.95 ली जाती है। एस टी उसके बाद हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रहा, प्लस करेंगे 1 माइनस बीटा, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे पास लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेट था, उसका स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि एडेप्टिव पे था। लेकिन अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो जो वैल्यू पहले रेज कर रही थी वो अब रेज नहीं करेगी। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल बीटा की वैल्यू मैंने ली 0.95, वो मल्टीप्लाई हुआ एस टी से, वट एवर जो भी एस टी की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन 1 माइनस जो बीटा है ये माइनस साइन है, तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 कंसीडर करूं, तो मैं कह सकता हूं कि वैल्यू, तो ये वैल्यू बन गई 0.05। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जब छोटी हुई, तो अब जब भी स्क्वायर की वैल्यू हमारी बड़ी आएगी, तो वो खुद ब खुद हमारी जो ये वैल्यू है, जो स्क्वायर है, वो इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा ये फॉर्म। तो ये लिटिल बिट चेंजेस थी, और ये चीज हमारे बीटा के फॉर्म पर हमें इस चीज को शो कर रही है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द ग्रेडियंट, जिसके जरिए से वो जो ड्रॉबैक था जो हमारे पास एडेप्टिव
ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर के अंदर मौजूद था वो यहाँ पर हैंडल हो गया बाय यूजिंग बीटा. ये बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है हाइपर पैरामीटर की है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है, लेकिन जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्रॉस के अंदर जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो नॉर्मली 0.9 होती है, जहाँ पर एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -6 इस्तेमाल की जाती है. और अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ पर लर्निंग रेट से मुराद है, तो ये हम स्मॉल से स्मॉल लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आई एम नॉट श्योर के क्रॉस के अंदर 0.01 इस्तेमाल की जाती है. तो जैसे जैसे लर्निंग रेट की वैल्यू हमारी कम होती रहेगी तो हमारा जो मूविंग एवरेज है उसके ज़रिए से वो ड्रॉबैक यहाँ पर ख़त्म होता जाएगा जो एडेप्टिव में हुआ करता था. तो होपफुली ये बात क्लियर होगी कि आरएमएस प्रॉप जो है रूट मीन स्क्वायर है और वो इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो एडा डेल्टा है उसके अंदर और आरएमएस के अंदर ऑलमोस्ट ये दोनों ही सेम है, लेकिन लिटिल बिट चेंजेस हैं. तो मैं अब चलता हूँ एडा डेल्टा के अंदर और देखते हैं कि एडा डेल्टा के अंदर ये काम किस तरह से होता है और थोड़ी सी चेंजेस मैथ के फॉर्म पर क्या है. तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि लाइक आरएमएस प्रॉप एडेल्टा 2012 के अंदर इसको तख्लीक किया गया, इट्स ऑल्दो अनदर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एडाग्रेड. तो ये भी एडाग्रेड का क्या है, इम्प्रूव वर्जन है. फोकसिंग ऑन द लर्निंग रेट कंपोनेंट्स Ada delta is probably short for adaptive delta, where delta here refer to the difference between the current weight and the newly updated weight. यानी जो आपके पास दो वेट है ना, एक प्रीवियस वेट है और एक ऑनवर्ड आगे आने वाला वेट है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डेल्टा कहा जा रहा है. अब समझते हैं कि एक्चुअली जो डेल्टा की वजह से इसका नाम एडा डेल्टा पड़ा और उससे पहले जो हमने आर एम एस प्रॉप पढ़ा, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस बिटवीन एडा डेल्टा एंड आर एम एस प्रॉप इज दैट एडा डेल्टा रिमूव द यूज ऑफ द लर्निंग रेट. वो क्या करेगा, रिमूव करेगा यूज ऑफ द लर्निंग रेट्स पैरामीटर कंप्लीटली बाय रिप्लेसिंग इट विद डी. तो जो हमारा लर्निंग रेट था जिसको हम अल्फा से जाहिर कर रहे थे वो यहाँ डी पे कन्वर्ट हो जाएगा, द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेल्टा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने पीछे इक्वेशंस पर काम किया है मैं उसको कॉपी करके ले आता हूँ पहले, ताकि हमें बात समझ में आसानी हो और यहाँ पर हम कम वक्त लगा सकें. ओके, जो हमने मैथ से रिलेटेड इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड पे लिखी थी वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ला चुका हूँ. अब हमें चेंजेस समझनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्कर के कलर को चेंज करते हैं. आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही होगी, अल्फा डिवाइड बाय अंडरस्कोर एसटी प्लस एप्सिलॉन. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो चेंजेस करना है, यहाँ जो अल्फा थी और आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि रिमूव द यूज ऑफ लर्निंग रेट, हमें किसको रिमूव करना है, लर्निंग रेट को रिमूव करना है कंप्लीटली बाय रिप्लेसिंग विद डी द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेल्टा. तो इस अल्फा की इक्वेजन अब मूव होकर यहाँ पर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ डी टी. ठीक है, और ये डी टी पर एप्सिलॉन की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही ऐड होगी जैसे कि हम एस टी के अंदर करवा रहे हैं. वाज़ेह है डी यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेल्टा है. तो अब जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनने वाली है वो डी टी के लिए, बाकी एस टी के लिए तो बिल्कुल वही रहेगी जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है. तो एस टी हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करेंगे क्योंकि डिवाइड में हमारे पास ये जो इक्वेजन है एस टी प्लस एप्सिलॉन, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी. ठीक है, तो हमें सिर्फ डी टी की वैल्यू चाहिए अब. तो अब डी टी बराबर हो जाएगा बीटा ऑफ डी टी. ठीक है, प्लस वन माइनस बीटा सिमिलरली एंड चेंज ऑफ द वेट विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, का स्क्वायर. तो चेंज ऑफ द वेट का मतलब यहां पर बताया गया, अभी हमने पहले देखा द डिफरेंस बिटवीन द करंट वेट एंड द न्यूली अपडेटेड वेट. तो इस चीज को अगर मैं फर्दर बताऊं, यानी चेंज इन वेट विथ रिस्पेक्ट टू द टी, ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू टी माइनस वन. ठीक है, यानी जो डब्ल्यू टी का मतलब है न्यू और डब्ल्यू टी माइनस वन का मतलब है ओल्ड. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डब्ल्यू टी की वैल्यू हो जाएगी और उसका स्क्वायर हो जाएगा. बाकी बीटा हमें पता है कि हमारा पैरामीटर है, हाइपर पैरामीटर है, जिसके जरिए से हम एवरेज सम मालूम कर रहे थे और ये मैंने आरएमएस प्रॉप के अंदर बता दिया. और उसके बाद हमने उसी चीज को चेंज करते हुए देखा. तो थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है मैथ के रिस्पेक्ट से, एक दो दफा आप इस चीजों को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी. लास्टली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताते चलूं कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि एक्चुअली जो हमारे पास ग्रेडियंट था, एडाग्रेड था, उसके अंदर मसला ये था कि जब भी हम अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, समटाइम अगर अल्फा की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होकर ऊपर चले जाती तो हमारे पास जो लर्निंग रेट था वो बिल्कुल कम आ जाता. तो लर्निंग रेट अगर उससे भी कम आ जाए जो प्रीवियसली मौजूद है तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि हम मजीद कैसे इन्हेंस कर सकेंगे.
इस चीज के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट था मजीद दो अनदर ऑप्टिमाइजर का, जो कि AdaDelta या RMSprop कहलाता है, जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने खत्म करने के लिए क्या किया, जहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल का लर्निंग रेट के डेरिवेटिव का स्क्वायर था, वहां पर उन्होंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ ग्रेडिएंट मालूम कर लिया। ठीक है, यही वजह है कि जब छोटी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो वो छोटी वैल्यू की वजह से जो फ्लक्चुएट वैल्यू थी हायर वो कम हो गई। फिर उसके बाद हमने AdaDelta के अंदर ये चीज देखा कि जो अल्फा की वैल्यू वहां पर इस्तेमाल हो रही थी, जिसके जरिए से सिर्फ वो लर्निंग रेट पर फोकस कर रहा था ना, अपने उस चीज को खत्म कर लिया। और उसने क्या कहा AdaDelta ने कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो एडेप्टिव डेल्टा का होगा, वेयर डेल्टा हेयर रेफर टू द डिफरेंट बिटवीन द करंट एंड द न्यूली अपडेटेड वेट। तो यही वजह है कि जो dt की फर्दर वैल्यू थी वो बिल्कुल st की तरह थी, लेकिन जहां पर डेरिवेटिव का स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा था वहां पर हमने चेंजेस क्या कर दिया, चेंजेस इन वेट, और चेंजेस इन वेट बराबर है प्रीवियस एंड न्यूली वेटेड के, जहां पर हमें जाने के बाद तमाम वो वैल्यूज ड्राइव होकर मिल जाएंगी जो कि AdaDelta के जरिए से पॉसिबल थी। मजीद इस पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रीवियसली सेशंस के अंदर ये दोनों चीजें डिस्कस की हुई हैं कि ये दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन दोनों फर्स्ट आर्टिकल को और सेकंड रिसर्च पेपर पे थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आप ये तमाम चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं दोनों चीजें आपको शो करके दिखाता हूं। तो ये medium.com के अंदर ये आर्टिकल मौजूद है, ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट ऑप्टिमाइजर फॉर न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर बड़े ईज और बेसिक इंग्लिश के साथ ये चीजें लिखी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बिगनर्स या एलिमेंट्री लेवल के लिए ये चीजों को समझना बहुत आसान है। ऑल दो जो सेकंड रिसर्च पेपर है हमारे पास, जो कि एक सर्वे है डिफरेंट ऑप्टिमाइजर का, तो इसको डाउनलोड करने का आसान सा तरीका ये है कि SCI हब पर आएंगे आप गूगल करके, उसके बाद आप इस साइट को ओपन करें, इसके जरिए से आप डिफरेंट रिसर्च पेपर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना टाइटल है वो यहाँ पर पेस्ट किया, ऑप्टिमाइजर मेथड फॉर अ मशीन लर्निंग परस्पेक्टिव, और ओपन पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि अगर ये आर्टिकल इसमें मौजूद है, रिसर्च पेपर इस वेबसाइट के पास मौजूद है, तो ये फ्रीली यहाँ पर ओपन कर देगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियसली जितने भी सेशंस हमने कवर किए हैं वो fahadhussain.cs/blogspot.com पे उसके आर्टिकल मौजूद हैं, वेरस जो भी सेशन हम तरतीब से चल रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है Fahad Hussain Tutorials, आप सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर आकर वो तमाम वीडियो से फैसिलेटेड हो सकते हैं जो इंडिविजुअली मैं शेयर कर रहा होता हूं।